मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब करीब 40 साल पहले गुजरात में अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। फ्रांस से पीएम मोदी के इस 40 वर्ष पुराने मार्मिक रिश्ते की कहानी को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक खास कैप्शन के साथ शेयर किया है। लिखा है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस के साथ लगभग 40 पुराना नाता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्हा ने संबित पात्रा के ट्वीट को कोट करते हुए तंज किया, ये आदमी पीएम मोदी को क्यों ट्रोल कर रहा है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्र से राजनीतिज्ञ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र जरूर करते हैं। पीएम मोदी स्वयं भारत के कई राज्यों में भाषण के दौरान लगभग हर राज्य से अपने अलग अलग रिश्ते की बात जरूर करते आए हैं, लेकिन पहले बांग्लादेश और अब फ्रांस से अपने पुराने रिश्ते की बात बताकर आखिर वो विदेश में क्या पाना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों ने पीएम मोदी के भाषणों में रिश्ते वाले एक्सेंट का जमकर मजाक उड़ाया है। एक यूजर ने कहा, ये महामानव लगभग हजारों साल पुराना है, हड़प्पा संस्कृति से भी इसका पुराना नाता है। खुदाई से ऐसी कई तस्वीरें भी मिली हैं जिसमें ये महामानव डायनासोर की सवारी करते देखा गया था। पठान का बच्चा है, जहां जाता है पुराना नाता निकल आता है। मोदी जी बचपन से ही फ्रांसीसी बनना चाहते थे, वो तो किस्मत खराब थी जो भारत में पैदा हो गए।